आपको लगा होगा कि 5 साल में यह बदलाव कैसे आया, कि पहले व्यक्ति आते थे कहते थे मुझे चौकीदार बनाओ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, और अब जब आते हैं भ्रष्टाचार के बारे में एक शब्द नहीं बोलते। अजीब सी बात है, क्योंकि देश ने प्रधानमंत्री पर भरोसा किया था, देश ने सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी अपने वायदे पूरे करेंगे। और आजकल जब नरेंद्र मोदी जी भाषण करते हैं, जनता उनकी ओर देखती है, जनता के दिल में ये 3-4 सवाल उठते हैं, युवाओं के दिल में सवाल उठता है, भाई आपने कहा था रोजगार देंगे, आप रोजगार की बात करते हैं, पहली बार इतिहास में राजस्थान में 4 युवाओं ने मिलकर आत्महत्या की, क्योंकि क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिला। राजस्थान की सच्चाई आपके सामने, प्रधानमंत्री के सामने, मगर कुछ नहीं कहते। किसान देखता है, पूरे देश का किसान देखता है। अखबारों में देखिए, राजस्थान में किसान ने आत्महत्या की, मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में किसानों पर गोली चली, हरियाणा में आत्महत्या की, उत्तर प्रदेश में आत्महत्या की, और किसान देखता है किसान आत्महत्या कर रहा है, मंडी में जाता है, हर किसान को पता लगता है कि भैया हिंदुस्तान में किसान को अनाज के लिए, फल के लिए, सब्जी के लिए सही दाम नहीं मिल सकता। आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं। 5 साल का बच्चा बैठा है, इसको भी मालूम है कि जब हिंदुस्तान का किसान मंडी में जाता है उसको सही दाम हिंदुस्तान में नहीं मिलता, एमएसपी नहीं बढ़ाई जाती, इसके लिए कोई पीएचडी की जरूरत नहीं है, कोई एग्जाम करने की जरूरत नहीं है। और भाषण में युवाओं से प्रधानमंत्री कहता है, देखो भैया पकौड़े बनाओ, पकौड़े बनाओ, टेलीफोन बनेगा चाइना में, घड़ी बनेगी चाइना में, हवाई जहाज बनेगा चाइना में, पकौड़े बनेंगे हिंदुस्तान में। सच्चाई है नरेंद्र मोदी जी की। तो मैंने आज सुबह एक सवाल पूछा, मेरा सवाल यह था कि नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण में शुरुआत में भारत माता की जय कहते हैं, अब ये भारत माता है क्या? भारत माता हिंदुस्तान के किसान, उनके हाथों में जो शक्ति है, उनके पीठ पे जो पसीना है, उनकी जो आशाएं हैं, ये भारत माता है? भारत माता इन माताओं बहनों, ये जो हर रोज उठकर काम करती है, ये भारत माता है? हिंदुस्तान का युवा जो अपने देश से कुछ नहीं मांगता, कोई तोहफा नहीं, कोई फ्री गिफ्ट नहीं, सिर्फ रोजगार मांगता है, वो भारत माता है? मजदूर जो इन इमारतों को बनाता है, सड़क बनाता है, हाईवे बनाता है, हाथ जिसके फटते हैं, वो भारत माता है? तो ये सब के सब लोग, ये सब के सब विचार भारत माता है। और मैंने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा, भारत माता की जय करते हो मगर काम फिर सिर्फ अनिल अंबानी का करते हो, आप भारत माता का काम क्यों नहीं करते हो? आप हिंदुस्तान के किसानों का काम क्यों नहीं करते हो? आपने 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का माफ किया है, मगर हिंदुस्तान और राजस्थान और उदयपुर के किसान का आपने 1 रुपया नहीं माफ किया। क्या ये किसान भारत माता नहीं है? इसने क्या गलती की? इसमें क्या कमी है कि आप अपना एक पल, एक समय इसको नहीं दे सकते हो? मैं आपके ऑफिस में आया था,
स्वयं नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस में गया, उत्तर प्रदेश के किसानों ने भेजा, कहा देखिए आप जाइए हमारी तरफ से, आप जाइए प्रधानमंत्री को कहिए कि हिंदुस्तान का किसान दबा हुआ है, त्रस्त है, रास्ता नहीं दिख रहा उसे, आप जाइए प्रधानमंत्री को कहिए और उनसे कहिए कि उन्होंने 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ माफ किया, हमारा भी करें। मैं गया, उदयपुर के किसान, राजस्थान के किसान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के किसानों ने मुझे भेजा, मैं गया और मैंने प्रधानमंत्री साहब बोला देखिए आपने 3.5 लाख करोड़ रुपया 15 लोगों का माफ किया है, अरबपति हैं, प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ते हैं, इलाज की जरूरत होता है अमेरिका जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी सबसे बेहतर कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चों को भेजते हैं, आपने उनका 3.5 लाख करोड़ माफ किया, 12 लाख करोड़ रुपया बचा है, उनका भी आप करने जा रहे हो मैं जानता हूं, मगर भारत माता की एक और आवाज है, किसानों की आवाज, उसको भी आप सुनिए। मैं नहीं जानता आपने ये क्यों किया, ये आपके बीच में, आपके मित्रों के बीच में, मगर मैं एक बात जानता हूं, हिंदुस्तान का हर किसान, राजस्थान का हर किसान चिल्ला रहा है और कह रहा है हमारा भी कर्जा माफ होना चाहिए। और प्रधानमंत्री मेरे सामने बैठते हैं, मैंने उनसे कहा मोदी जी आपको फायदा होगा, मैं विपक्ष का नेता हूं, आपको फायदा होगा, मैं आपकी मदद करने आया हूं, हिंदुस्तान के खेतों में आवाज है, दर्द है, उसको सुनिए, कर्जा माफ कीजिए। नरेंद्र मोदी जी का जवाब देखो, मैंने उनसे कहा कर्जा माफ कीजिए, नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया क्या था, ये किसानों की आवाज लेकर मेरे ऑफिस में कैसे आया, ये कैसे आया मेरे ऑफिस में किसानों की आवाज लेकर? तो मैं प्रधानमंत्री को राजस्थान से जवाब देना चाहता हूं और राजस्थान के किसान की आवाज सुनाना चाहता हूं, राजस्थान के किसान का दर्द सुनाना चाहता हूं। आप सुनिए राजस्थान के किसानों, उदयपुर के किसानों, कांग्रेस पार्टी यहां सरकार आएगी, चुनाव आप जिता रहे हो हम जानते हैं, आप चुनाव के बाद 10 दिन गिनना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 दिन के अंदर कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर किसान का कर्जा माफ कर देगा राजस्थान में, क्योंकि हम भारत माता की आवाज सुनते हैं। और नरेंद्र मोदी जी को भी अगर भारत माता की जय कहना है तो किसान की, मजदूर की, माताओं बहनों की आवाज सुननी ही पड़ेगी, यह सच्चाई है। युवाओं को कहते हैं रोजगार दिया, 2 करोड़ युवाओं से कहा भैया मैंने तुम्हें रोजगार दिया, तो अगर आपने रोजगार दिया तो राजस्थान का हर युवा चिल्ला क्यों रहा है, राजस्थान के 4 युवाओं ने आत्महत्या क्यों की? इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।